दोस्तों टेक्नोलॉजी दिन पर दिन गैजेट्स को अपग्रेड करती जा रही है और हर आने वाले दिन के साथ हमारे बीच मौजूद गैजेट्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में मेरा काम है आप तक बेस्ट और धांसू गैजेट्स लाना जो यूजफुल भी हों और अफोर्डेबल भी हों, और इसीलिए आज के गैजेट्स भी हमेशा की तरह धांसू हैं और इन्हें परचेज करने के लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट चैनल को करके सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन को और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और मज़ा लीजिए इस अमेजिंग सफ़र का। तो दोस्तों आज होगी शुरुआत अल्टीमेट ट्रेल ट्रक से। आरसी गैजेट्स का हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अलग ही प्लेस रहा है। आरसी गैजेट्स होते भी अलग अलग तरह के हैं, बट कुछ आरसी गैजेट्स रियल मॉडल के काफ़ी करीब होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। और ऐसा ही एक रियलिस्टिक आरसी ट्रक है ये अल्टीमेट ट्रेल ट्रक। और ये कितना रियलिस्टिक है इसका अंदाज़ा तो आपको इसे देख कर ही हो गया होगा। वैसे एक्चुअल में ये एक ट्रक नहीं है, इसे आप एक क्रूज़र जीप टाइप का कुछ कह सकते हैं। इसमें आपको हेडलाइट्स मिल जाएंगी और साथ ही ऊपर की साइड एक LED पैनल मिल जाएगा जो ग्लो करते हुए इसके लुक्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। देखने में तो ये रफ एंड टफ है ही, इसके अलावा ये एक्चुअल में भी काफ़ी ड्यूरेबल है। इसके टायर्स की ग्रिप्स काफ़ी फर्म होती है, जिससे ये जंगली रास्तों पर जिनमें काफ़ी पत्थर वगैरह होते हैं उन पर भी बहुत आसानी से चल सकती है। इसे चलाने के लिए आपको इसके साथ इसका एक बड़ा सा रिमोट भी मिल जाएगा। ये थोड़े बहुत पानी में भी आराम से चल सकती है। ओवरऑल बात करें तो आपको अगर आरसी व्हीकल्स पसंद है तो इस तरह का प्रीमियम आरसी ट्रेल ट्रक आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है ब्लू स्मार्ट। गाइस ट्रैवलिंग हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है और हम हर एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, फिर चाहे वो ट्रेन्स हो या फिर एरोप्लेन्स। तो ट्रैवल करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारा लगेज, जिसे हम अपने सूटकेस में रखते हैं। बट क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्मार्ट गैजेट्स की, तो सूटकेस भी स्मार्ट ही होना चाहिए। और ब्लू स्मार्ट एक ऐसा ही स्मार्ट ट्रैवलिंग सूटकेस है। और इसका सबसे खास फीचर ये है कि ट्रैवलिंग के वक्त इस सूटकेस को आपको खुद से पकड़ कर ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये सूटकेस अपने आप ही आपको फॉलो करेगा। ये अल्ट्रा सिक्योर स्मार्टफोन कंट्रोल्ड सूटकेस होता है। आप इससे रिलेटेड सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि ओवरऑल वेट, लोकेशन और भी बहुत कुछ सब कुछ अपने स्मार्टफोन पर देख पाएंगे। इवन अगर आपके सूटकेस को कोई टच भी कर ले या फिर उसे चुराने की कोशिश करे तो भी ये आपके स्मार्टफोन में तुरंत ही नोटिफिकेशन भेज कर आपको अलर्ट कर देगा, जिससे आपका लगेज सेफ रहेगा। ये सूटकेस के अलावा एक पावर सोर्स का भी काम कर देता है, जिससे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइसेस को पावर अप कर सकते हैं या फिर उन्हें चार्ज भी कर सकते हैं। यानी अगर आपके आसपास कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तो भी आपके डिवाइस बंद नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे में ओवरऑल गाइज इस तरह के स्मार्ट सूटकेस से आप अपनी जर्नी को कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलायबल बना सकते हैं। नंबर 3 पर है DIY RC रोबोट। अब देख लेते हैं एक और मज़ेदार गैजेट, ये है DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ रोबोटिक किट। और इस किट से बनता है ये कमाल का रोबोट। वैसे ये रोबोट काफ़ी हद तक मिलता है वॉली मूवी के रोबोट से। वॉली की तरह ये रोबोट भी बहुत क्यूट होता है। वैसे तो ये अनअसेंबल्ड आता है, बट सारी चीज़ें पकी पकाई ही मिल जाएं लाइफ में बिना स्ट्रगल के तो फिर उनमें वो मज़ा नहीं है। खैर, तो इस किट के पार्ट्स को भी आपको जोड़ जोड़ कर ये रोबोट तैयार करना होगा। इंस्ट्रक्शंस आपको इसके साथ ही मिल जाएंगे। अब एक बार जब ये रोबोट तैयार हो जाए तो इसे चलाने के लिए आपको चाहिए होगा इसका रिमोट, जो कि काफ़ी सिंपल इंटरफेस के साथ आता है। इस रिमोट से आप इस रोबोट को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट चलाने के अलावा रोटेट भी कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल व्हील्स की जगह चेन व्हील्स का यूज़ किया गया है, जिससे ये रोबोट अनइवन सरफेसेस पर भी आसानी से चल पाता है। तो ओवरऑल गाइज रोबोट लवर्स के लिए ये आज का खास गैजेट है। और अब बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे आप 1500 रुपीस के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। X-Star प्रीमियम। गाइस अब मिलिए इस अल्टीमेट ड्रोन से। इसके नेम में प्रीमियम वर्ड ऐसे ही नहीं जोड़ा गया है, बल्कि ये वाकई में एक प्रीमियम ड्रोन है, खासकर प्रोफेशनल्स के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो फोटोग्राफी और वीडियोस वगैरह बनाने के लिए और शूटिंग के पर्पस से एक हाई एंड ड्रोन लेना चाहते हैं। ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये सारे शॉट्स इसी ड्रोन से लिए गए हैं, तो इसकी कैमरा क्वालिटी, शार्पनेस और स्टेबिलिटी को आप खुद ही समझ गए होंगे कि वो कैसी है। ये ड्रोन आता है 25 मिनट्स यानी कि लगभग आधे घंटे के फ्लाइट टाइम के साथ। इतनी देर में आप लगातार इसे उड़ाकर एक परफेक्ट शॉट कवर कर सकते हैं। इस तरह के ड्रोन वैसे भी आजकल काफी चल रहे हैं, आपने भी वेडिंग्स
मूवीज में या पार्टीज वगैरह में देख रखा होगा कि उनकी एरियल शूटिंग ड्रोन से की जाती है। ऐसे में एक परफेक्ट वीडियो के लिए ड्रोन भी परफेक्ट ही होना चाहिए, और ये ड्रोन आता है 4K यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कैमरा के साथ। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफेशनल यूसेज के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाता है। JJRC कार्टून HD कैमरा। अब कम एज की बच्चों की थोड़ी बात हो जाए तो ये क्यूट सा दिखने वाला गैजेट है एक कैमरा, एक पॉकेट कैमरा कम एज के बच्चों के लिए। वैसे आजकल बच्चों में कम एज से ही स्मार्टफोन की आदत पड़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के साथ ही उनके फ्यूचर को भी अफेक्ट करती है। तो इस तरह का गैजेट आप बच्चे को देकर उसे स्मार्टफोन से दूर तो रख ही सकते हैं। ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा होता है जो कि ऑपरेट करता है एक नॉर्मल कैमरा की तरह, बट साइज में तो उससे काफ़ी छोटा ही है। साथ ही इसे बिल्कुल कार्टून जैसा लुक दिया गया है, जिससे ये बच्चों को अपनी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है। ये बिल्कुल सेफ होता है और ऑपरेट करता है कुछ सिंपल सी बटन से। इसमें आप एक्सटर्नल SD कार्ड को लगाकर इसका स्टोरेज स्पेस 32 GB तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे को गिफ्ट में क्या दिया जाए, तो मेरे ख्याल से इस तरह का कैमरा एक परफेक्ट चॉइस हो जाता है। स्टेम। अब मिल लेते हैं एक ऐसे गैजेट से जो पहली बात तो एक सिंगल गैजेट है ही नहीं, बल्कि ये ट्रांसफॉर्म होकर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के गैजेट्स का फॉर्म ले सकता है। ये एक डांस गिटार का फॉर्म ले लेता है, या फिर एक ट्रैश चॉम्पर का भी, और भी बहुत कुछ। यानी जैसे आपने पहले एक DIY रोबोटिक किट देखी, ये भी कुछ उसी किट की तरह है। बट इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि उस किट में आप सिर्फ एक तरह का रोबोट ही बना सकते थे। हालांकि आप उसमें अपनी तरफ से कुछ कस्टम्स जरूर ऐड कर सकते थे, बट स्टेम नाम की इस किट से आप एक नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के डिवाइसेस को इन्वेंट कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं फन के साथ साथ एजुकेशनल भी हो जाता है। ये सारे डिफरेंट डिवाइसेस आप इसकी मेन किट से यूज कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ये सारे फॉर्म्स जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी आप अपना दिमाग चलाकर और भी नई नई चीजें इससे इन्वेंट कर सकते हैं। तो इसे आप बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर किट भी कह सकते हैं, और अपने लिए इसे नए नए तरह के डिवाइसेस और गैजेट्स को इन्वेंट करके खुद की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। IOTA ट्रैकर। गाइज, हमारे पेट्स हो या फिर हमारी बाइक या साइकिल, या फिर हो हमारा बैग और भी बहुत कुछ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं, और इन्हें सेफ रखने के पर्पस से आप यूज़ कर सकते हैं IOTA का। दोस्तों, आपने मूवीज में कई तरह के ट्रैकिंग डिवाइसेस देख रखे होंगे, जिन्हें लगाकर हीरोज विलन्स की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, और IOTA ट्रैकर भी कुछ वैसा ही डिवाइस है जो साइज में बेहद स्मॉल होता है, जिससे आप इसे अपने पेट के स्ट्रैप पर लगा सकते हैं, जिससे अगर आपका पेट कहीं दूर चला जाता है या फिर खो जाता है, तो आप इस ट्रैकर को GPS के थ्रू ट्रैक करके अपने पेट तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक इसी वे में आप इसे छोटे बच्चों के बैग में रख कर उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं, या फिर इसे अपनी बाइक या बाइसिकल में लगाकर भी सेव कर सकते हैं। आप इस ट्रैकर की लोकेशन को रियल टाइम में जब चाहें तब ट्रैक कर सकते हैं, और इस तरह के डिवाइसेस एक्चुअल में होते भी हैं। ये अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे में अगर आपका कोई सामान चुरा भी लेता है तो इस ट्रैकर के जरिए आप उस तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल गाइस, जैसा कि कहते हैं कि जमाना बड़ा खराब है, तो इस तरह के ट्रैकिंग डिवाइस से आप अपनी चीजों को और भी सेफर बना सकते हैं, और इसे आप सिर्फ 285 रुपीज में डिस्क्रिप्शन की लिंक से परचेज कर सकते हैं। और अब स्मार्टफोन यूजर्स के लिए आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट गैजेट, यानी कि नैनो होल्ड। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने स्मार्टफोन को किसी सरफेस में स्टिक करने यानी चिपकाने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कार्स में या फिर ट्यूटोरियल वीडियोस देखते वक्त। बट जाहिर है हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि स्मार्टफोन्स में ऐसा कोई जुगाड़ होता ही नहीं है। और यहाँ पर आपके काम आएगा नैनो होल्ड। ये एक स्टिकी सरफेस वाला गैजेट होता है, जिसे आपको सिंपली लगा लेना होगा अपने स्मार्टफोन के बैक पैनल में, एंड देन आप जब चाहें अपने स्मार्टफोन को लिटरली किसी भी सरफेस पर चिपका सकते हैं। फिर चाहे वो ग्लास हो या फिर मेटल वगैरह हो, ग्रुप सेल्फीज लेते वक्त या फिर कार ड्राइव करते वक्त या फिर वीडियो कॉलिंग करते वक्त, ये आपके बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि ये सब गंदे गंदे काम करते वक्त आपके हाथ बिल्कुल फ्री रहने चाहिए। खैर, ये तो एक गंदा सा जोक था, बट सीरियसली गाइस, इस प्रोडक्ट से आप कभी भी अपने स्मार्टफोन को अपने मनचाहे एंगल पर स्टिक करके उसे यूज कर सकते हैं, जिससे एक तरह से आप बिल्कुल ही फ्री माइंडेड होकर अपने फोन को यूज कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही मजेदार गैजेट्स सबसे पहले आपको मिलें। तो गाइस, सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।